बहुत ही अमेजिंग फिल्म मेकर है उनकी बहुत, जबकि वो मराठी में फिल्में बनाते हैं बट उन फिल्मों का रीच इंटरनेशनल लेवल पे फेस्टिवल्स पे होता है. मैंने उनकी कुछ फिल्में देखी है जो मुझे बहुत पसंद आई एंड आई थॉट इट वाज जस्ट अ फिल्म दैट आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ. आप इसे बोल सकते हैं कि डू आई वांट टू प्रमोट मराठी सिनेमा, डू आई नो वन थिंग दैट आई जस्ट वांट टू बी एसोसिएटेड विद गुड सिनेमा एंड इफ मेरे इस फिल्म में होने से इसको यू नो कुछ इसकी रीच बढ़ती है तो आई डोंट बी वेरी हैप्पी टू डू दैट. कैसे वाला दैट्स ऑल द मराठी आई नो. इन द फिल्म ऑल्सो जो मेरा कैरेक्टर है इट्स एन एक्ट्रेस, मैं एक एक्ट्रेस प्ले कर रही हूँ जो कि मुंबई से पुणे ट्रैवल कर रही है. बहुत छोटा सा रोल है. इट्स जस्ट समथिंग आई डिड एज एज फॉर उमेश. इसमें कोई कमर्शियल या कोई और इसमें वो नहीं था. इट वाज जस्ट समथिंग, इट्स अ गुड फिल्म एंड आई वांटेड टू हेल्प आउट एज मच एज आई कैन टू मेक दिस फिल्म एज पॉपुलर एज इट कैन बी. फिल्म की लैंग्वेज मराठी है पर इसकी जो सोच है वो इंटरनेशनल है. मुझे ये एक वर्ल्ड फिल्म लगती है, मराठी फिल्म लगती नहीं है. और जब उमेश ने मुझे इसकी कहानी सुनाई तो मुझे लगा ओ माय गॉड फैंटास्टिक, हाउ लकी आई एम दैट उन्होंने मुझे चूज़ किया इस पात्र के लिए. और ये किसी भी भाषा में होती या चाहे मुझे मराठी भी सीखनी पड़ती इस फिल्म के लिए तो मैं बिल्कुल सीखती क्योंकि ये बेहतरीन बेहतरीन कहानी है. और आई कांट वेट के ऑडियंसेस 24 जुलाई को इस फिल्म को देखेंगे हॉल में. और मुझे पक्का विश्वास है कि उन्हें बहुत आनंद आएगा. आपके किरदार की बात करें, किस तरह का किरदार है? किरदार के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि एक सरप्राइज एलिमेंट है मेरे किरदार को लेके. हाईवे में एक रिच क्लासी गुजराती लेडी है जो अपने फार्म हाउस पे जा रही है हाईवे पे, और क्या होता है बाकी का वो आप फिल्म देख के आपको पता चलेगा.